केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है। भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है। संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है आपके समेत केजरीवाल जी सब लोग पूरा शीर्ष नेतृत्व बाहर है, तो आप क्या एक नया जोश, नया उत्साह पार्टी? सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर माँ ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका, उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। पूरे देश के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रजातंत्र पर भरोसा करता है और इंडियन जुडिशरी पर भरोसा करता है, मुझे लगता है कि सत्य की जीत हुई है और आगे भी सत्य की जीत होती रहेगी। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए हैं वो उसका स्वागत करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए,
इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का, एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। एक लेकिन रिस्ट्रिक्शन वो अभी भी बरकरार है कि वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे, इससे परेशानी तो और बढ़ती ही रहेगी। जो कहा जाए काम नहीं होगा, इसको देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसको देखते हैं अभी जुडिशियल प्रोसेस में इसमें क्या ऑप्शन है उस पर देखते हैं।